क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम के डीएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम के डीएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और उसे अपने इंस्टाग्राम में कैसे लॉगिन कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहाँ पर जो अपने इंस्टाग्राम को अकाउंट को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है या फिर काफी समय हो गया है उसे डीएक्टिवेट किए हुए, तो उसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम में हम उसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं, वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आना है और यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी अकाउंट पहले से बना लिया है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अगर नहीं बनाया है तब भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप जिस भी अकाउंट को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देते हैं वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता है, वो आपका अकाउंट सिर्फ डीएक्टिवेट होता है, उसे आप जब भी चाहे उसे वापस ला सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप अपने यहाँ देखिए कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल लोगो पर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कई अकाउंट को लॉगिन कर रखा है तो कोई बात नहीं, नीचे देखिए ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा है लॉगिन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट, आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपके मोबाइल में जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे और जिस भी अकाउंट को आपने डीएक्टिवेट किया था वो भी अकाउंट यहां पर आपको शो कर जाएगा। जिससे देख सकते हैं ये हमारा जो शंकर राठौर से है तो ये हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट है, इसे मैं एक्टिवेट करना चाहता हूं। और हमारा ये अकाउंट यहां पर आपको देखिए इस तरीके से यहां पर कोई भी वो अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा, शंकर राठौर 21 यहां पर देखिए देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। लेकिन यहां पर एड एग्जिस्टिंग पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा अकाउंट यहां से शो कर जाएगा। और अकाउंट जाएंगे तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहां पर स्विच अकाउंट भी आपको देखने को मिलेगा, वहीं से आपको यहां पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम यहीं से क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। हो सकता है ये वाला पार्ट आपको ब्लैक शो कर रहा होगा, तो यहां पर देखिए आपका जो यूजर नेम देखिए आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अपना पासवर्ड आपको नहीं मालूम है तो नीचे देखिए गेट हेल्प गूगल इन का ऑप्शन मिलता है। चलिए यहां पर भी देखिए वही मिलेगा आपको ऑप्शन। और यहां पर स्विच अकाउंट पर भी क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ब्लैक शो हो रहा होगा। यहां पर देखिए नीचे ऑप्शन मिलता है गेट यहां पर हेल्प गूगल का, तो सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे बिल्कुल सेम उसी जगह पर आ जाएंगे, चाहे आप वहां से या फिर यहां से कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है यूजर नेम देन ईमेल और फोन नंबर, तीनों में से कोई भी यहां पर आप डाल सकते हैं और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम यूजर नेम को पेस्ट कर देते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर से मालूम है उस पर लॉग इन किया हुआ है तो मोबाइल नंबर, और चाहे तो अपना यूजर नेम डाल सकते हैं और चाहे तो अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो देखिए लिखा है यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका जो अकाउंट है वो यहां से फाइंड कर लिया जाएगा। नीचे यहां पर देख सकते हैं जो हमारा यहां पर देखिए यूजर नेम हमें शो कर रहा है और यहां पर नीचे देखिए लिखा है सेंड एन एसएमएस, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे देखिए क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेंड आपको इस नंबर पे एक यहां पर पासवर्ड रिसेट करने के लिए देखिए यहां पर आपको एक एसएमएस भेजा जाएगा, तो वो आपको यहां पर अभी मैसेज में आएगा। तो चलिए यहां से हम कट कर देते हैं और हम यहां पर देखिए मैसेज में वेट करते हैं। तो हमें एक कोड देखिए यहां पर आ चुका है, हम सिंपली ये देखिए मैसेज आया हुआ है, हम मैसेज पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड मालूम है तो जस्ट आपको यहां पर रिसेट करने की जरूरत नहीं, आप पासवर्ड डाल के डायरेक्ट भी अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखिए उसी नंबर पे मैं पास वो मैसेज आया तो ये देखिए लिंक आया हुआ है, हम लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस यूआरएल के ऊपर हम नेट ओपन करेंगे तो इस यूआरएल में हम अपना जो पासवर्ड है रिसेट कर पाएंगे। अगर हमें पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर देखिए हम पासवर्ड चलिए डाल देते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर पासवर्ड डाल देना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर नीचे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिसेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, जो आपका पासवर्ड होगा वो रिसेट हो जाएगा और आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी हो यहाँ पर देखिए जो डीएक्टिवेट की थी आपने वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी लॉगिन भी हो जाएगी। अब देख सकते हैं हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पर देखिए लॉगिन हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए हम क्लिक करेंगे और ये देखिए शंकर राठौर, ये देखिए जो हमारी एक्टिवेट नहीं थी, डीएक्टिवेट थी, मैंने इसको डीएक्टिवेट कर रखा था काफी समय से। सो अभी ये देखिए हमारी जो आईडी है इंस्टाग्राम की एक्टिवेट हो चुकी है और सारी के सारी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं चैट और जो कुछ भी हमारा सब कुछ वापस आ जाएगा, हमारी फोटो कुछ रील्स वीडियोस सारा का सारा हमें वापस मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने डीएक्टिवेट अकाउंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और उसे रिकवर कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।